दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व आता है। इस बार यह पर्व 14 नवंबर मंगलवार को मनाया गया। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इससे गोकुल में रहने वाले लोगों की रक्षा की गई थी। गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैटमा नगर की बालाजी मंदिर स्थित श्री राम जानकी गौशाला द्वारा विशाल गो यात्रा निकाली गई, जो नगर से होते हुए बैटमा बाईपास से होकर गौशाला पहुंची। यात्रा में गोमाता विशेष रूप से श्रृंगारित होकर कतारबद्ध चल रही थी। 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है और हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड चूर किया था और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन को लेकर बेहद कंफ्यूजन की स्थिति के बाद मंगलवार को गोवर्धन पूजा की गई। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। राम जानकी गौशाला में गोवर्धन बनाते हुए विशेष पूजन होता है। आज के दिन पड़वा के दिन गोवर्धन का, श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था आज के दिन, इसीलिए मान्यता है कि गौ माता के गोबर से आज के दिन गोवर्धन बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज गो यात्रा में पधारे समस्त भक्तों का श्री राम जानकी गो सेवा धाम बेटमा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बेटमा नगर व आसपास गांव के समस्त भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री राम, जय गो माता की। और दिनांक 20 तारीख सोमवार गोपाष्टमी के महापर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सब परिवार पधारें। शाम 4 बजे से यह भंडारा प्रारंभ होगा। स्थान श्री बदीपुरा बालाजी धाम गौशाला परिसर बेटमा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौ माताय नमो नमः। गोवर्धन पूजा का महत्व होता भगवान कृष्ण जब थे उस समय की बात है कि इंद्रदेव ने जब घमासान घोर वर्षा जब प्रारंभ करी क्रोधित होकर, तो भगवान गोवर्धन उठाने के लिए गए और उस गोवर्धन के नीचे जितने भी ग्वाल बाल थे उनको बचाया। जब से गोवर्धन माता की गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, वहाँ भी गोवर्धन की पूजा, जब से गोवर्धन जी की पूजा चलती है तो आज के दिन पड़वा के दिन ही पूजा होती है गोवर्धन पूजा। तो ये गाय से संबंधित है। जय माँ, जय श्री राम, जय जय गौ माता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।